बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक वकील सुधीर कुमार ओझा ने सलमान खान व करण जौहर सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। इसमें कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह समेत चार लोगों को गवाह बनाया गया है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की है। मुकदमे के अन्य आरोपियों में बॉलीवुड की हस्तियां आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, दिनेश विजय, टी सीरीज के भूषण कुमार भी शामिल हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पटना के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मंगलवार की रात में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पटना एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था। मंगलवार की रात ही कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया था। बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिहार में पहली बार कोई राजनेता कोरोना संक्रमित पाया गया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अंत्येष्टि के बाद बुधवार को उनके पिता के सिंह पटना वापस लौट आए। पटना के राजीव नगर स्थित आवास में उनके साथ सुशांत की बहन व अन्य स्वजन भी आए। स्वजनों के अनुसार सुशांत का श्राद्ध क्रम राजीव नगर स्थित आवास पर ही होगा। उनकी अस्थियां मुंबई से लाई गई है, जो पटना के दीघा घाट पर विसर्जित की जाएगी। इसी घाट पर सुशांत की माँ की भी अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्वजनों के अनुसार पूर्णिया स्थित पैतृक गाँव के लोगों व नाते रिश्तेदारों के आने के बाद सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। श्राद्ध कार्यक्रम के 10वीं के दिन गंगा घाट पर सुशांत की अस्थियों का विसर्जन होगा। चीन की चालबाजी पर पूरा बिहार गुस्से में है। खासकर बिहार के 5 लाडलों की शहादत ने लोगों को गम और गुस्से में डाल दिया है। बुधवार को सुबह से ही चीन के प्रति लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आम जनता से लेकर बिहार के सियासी गलियारे तक में चीन के प्रति लोग आग उगल रहे हैं और चीन पर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करने की लोगों से अपील भी की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने चीन की इन करतूतों की निंदा की है। वहीं बिहार के पटना समेत तमाम जिलों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले फूंके जा रहे हैं। भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव जेडीयू से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने शहादत प्राप्त करने वाले जवानों की वीरता का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट के जरिए शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने वाले जंबाज जवानों की शहादत को कोटिस नमन। हमारी सेना के जज्बे पर पूरे देश को हमेशा गर्व रहा है। वहीं उनके इस ट्वीट के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक की मांग करते हुए लिखा कि भारत सरकार से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर सर्वदलीय बैठक आहूत करें, ताकि देश को सही जानकारी मिल सके, हम सब एकजुटता से मुकाबला कर सके। भारत चीन के सैनिकों के बीच सोमवार के रात लद्दाख के गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हो गए। पटना जिले के बिहटा के सुनील कुमार भी शहीद हुए। बुधवार के शाम विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। स्टेट हैंगर पर शहीद सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद को सबसे पहले उनके परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि दी, इसके बाद पटना के डीएम कुमार रवि ने श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, जीतन रामाझी, रामकृपाल यादव, पप्पू यादव सहित कई नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बुधवार को करीब 3619 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 130 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 130 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 5940 पर पहुंच गई है। बिहार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बुधवार को मानहानि का एक मुकदमा दायर किया है। यह परिवाद मुकदमा पटना सीजेएम के अदालत में ईमेल से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया कि 13 जून 2020 को फेसबुक पर परिवादी कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर राजद के नेता विपक्षी दल तेजस्वी यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे परिवादी अशोक चौधरी की छवि समाज में धूमिल हुई है।
विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में गरमाती सियासत के बीच पोस्टर वार लगातार जारी है। ताजा मामला पटना की सड़कों पर राष्ट्रीय जनता दल नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा उनके पिता व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पोस्टर का है। पोस्टर में तेजस्वी को भ्रष्टाचार का महामंडलेश्वर व लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी राजा बताया गया है। लालू परिवार पर वितंज कसा गया है। सेना के जवान सुनील राय जिंदा हैं। बुधवार को यह खबर आई तो घर परिवार और जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। मंगलवार को उनकी शहादत की खबर ने पत्नी को बेसुध कर दिया था। परसा थाना क्षेत्र के दिघरा गांव निवासी सुनील राय ने लेह से सुबह 9:30 पर पत्नी को फोन कर सकुशल होने की जानकारी दी और कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डीएम ने बताया कि सेना के अधिकारियों को सुनील राय के नाम को लेकर गलतफहमी हो गई थी, इस वजह से गलत जानकारी परसा में उनके परिवार को दी गई। दरअसल जो सुनील कुमार शहीद हुए हैं वे पटना जिले के हैं।